गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसके आगे आज हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को, और साथ ही साथ इस पर आधारित क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और ग्राफिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से शुरू करते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपका एक एक्सिस है और एक एक्सिस ये है। जब भी आपको ग्राफ बनाना होता है तो आपको दो एक्सिस 2D के लिए मेनली चाहिए होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग स्मॉल s से डिनोट करते हैं, टाइम को स्मॉल t से डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब कि y एक्सिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया और x एक्सिस पे आपका टाइम आ गया। y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट और x एक्सिस पे आपका टाइम आ गया। ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास कोई सा भी ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है या इस तरीके से कोई ग्राफ है। ये आपका क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम एक इस तरीके से ग्राफ दिया गया है। अगर इस लाइन की आप स्लोप देखें, थीटा कोण पहले निकाले आप इसका स्लोप, तो सबसे पहले देखो स्लोप होता क्या है। स्लोप होता है आपका टैन थीटा। स्लोप क्या होता है, टैन थीटा। और थीटा ये जो होता है, ये थीटा क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो कि यहाँ पर टी है। यहाँ पे कौन सा एक्सिस है, टी एक्सिस ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपका जो इंक्लिनेशन होता है उसका या एंगल होता है उसी को लेते हो। तो मतलब थीटा आप हमेशा कहाँ से लोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा लोगे आप थीटा, कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। इसको आपको ध्यान देना है। तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या ले लेते हो आप, इसका थीटा निकाल लेते हो, और थीटा निकालने के बाद उसका स्लोप आप लिख सकते हो क्या, टैन थीटा। उसका स्लोप आप क्या लिख सकते हो, टैन थीटा। अब इस लाइन के लिए ना, इस लाइन के लिए ये जो स्लोप होती है, स्लोप तो आपको पता है कि स्लोप मैंने पढ़ा रखा है कि स्लोप क्या होता है, ये y2 - y1 / x2 - x1 ये स्लोप होती है। ये भी किसी भी एक कर्व की स्लोप ये होती है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो आपको ये आराम से लगा लोगे, अगर आपका कर्व है तो किसी एक पॉइंट पर आप एक टेंजेंट खींच लेते हो और वहाँ पे ये स्लोप लगा देते हो। ठीक, वहाँ पे स्लोप लिख लेते हैं टेन थीटा से। और अगर आपका स्ट्रेट लाइन है तो दो पॉइंट के बीच में आप y2 - y1 / x2 - x1 से स्लोप निकालते हो। तो ST ग्राफ के लिए ये क्या हो जाएगा, वाई पे आपका एस है तो s2 - s1 / t2 - t1 s2 - s1 / t2 - t1। तो यहाँ से इसको लिख सकते हो डेल्टा एस, इसको लिख सकते हो डेल्टा टी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। यही क्या हो जाएगा, स्लोप। यही क्या हो जाएगा, स्लोप। और आपको पता है कि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या होती है, यही होती है वेलोसिटी। रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी। इसका मतलब कि जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, इसका जो स्लोप मिलेगा आपको, इसका स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। इसका स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, वेलोसिटी देता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पर समझिए, इंपॉर्टेंट बात समझिए आप कि अगर ये जो थीटा है ना, ये जो आप ना इंक्लिनेशन थीटा देख रहे हो, अगर इस थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो जो स्लोप, मतलब कि आपका जो टैन थीटा होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब सीधे लिख सकते हैं कि ये स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब जब आपका थीटा लेस देन 90 होगा, 90 से छोटा होगा, तो स्लोप आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और थीटा जब 90 से बड़ा हो, देखो बड़ा और छोटा होने का मतलब सीधे समझो, आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही झुकाव लोगे तो अधिक से अधिक, मतलब कम से कम 0 हो सकता है, अधिक से अधिक 180 हो सकता है। तो मतलब 0 से 90 तक पॉजिटिव और 90 से 180 तक नेगेटिव। अगर 90 से बड़ा है तो स्लोप आपका, दैट इज टेन थीटा आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सिंपली अगर आप समझो कि ST जो ग्राफ है इसका स्लोप अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर ST ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आप समझ पा रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक छोटे से क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, देखते हैं, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और देखते समझते हैं कि जो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है
इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, लेकिन पहले एक बहुत छोटा सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं आपको पूछ के आ रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपको एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरीके से बना के दिया गया है। ये आपका एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरीके से बना के दिया गया है, इधर डिस्प्लेसमेंट लिख लिया, इधर टाइम लिख लिया, ठीक है। एक दो इस तरीके से लाइन दिया है, मान लो इसको ये कह रहा है कि ये जो ग्राफ है ए है, ये ग्राफ बी है, ठीक है। मतलब आपको ये कह रहा है कि एक पार्टिकल एक ए ग्राफ की तरह मोशन कर रहा है और एक पार्टिकल के मोशन को ग्राफ बी से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। दो पार्टिकल हैं, उनके मोशन को ग्राफ ए और बी से उनका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरीके से बना के रिप्रेजेंट किया गया। आपसे पूछ रहा है कि बताओ किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ऑफ वी ए और वी बी, इसमें वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, इस तरीके से आपको बताना है। मतलब बेसिकली आपको इस इन दोनों के मोशन में वेलोसिटी को समझना है कि क्या है। आप समझ रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप आता है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप आता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप आता है, ठीक है, इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है, वो क्या होता है, वेलोसिटी। और स्लोप कैसे निकालते हो, टैन थीटा से, ठीक है, या फिर आप निकालते हो वाई टू माइनस वाई वन बटे में एक्स टू माइनस एक्स वन से, ठीक, पढ़ाया है मैंने आपको। तो यहाँ पे अगर देखो ए के लिए थीटा देखो ये एंगल, और बी के लिए देखो ये एंगल, ठीक है। तो ये आप अगर इसको हम लोग थीटा ए बोल दें, इसको थीटा बी बोल दें, तो आप सिंपली समझ पा रहे हो कि थीटा ए क्या है, थीटा ए क्या है, कम है, थीटा ए कम है, और थीटा बी क्या है, ज़्यादा है, थीटा बी ज़्यादा है, थीटा ए कम है, और दोनों थीटा ए और थीटा बी 90 से कम है, ठीक है। चूँकि थीटा ए कम है थीटा बी से, इसलिए टैन थीटा ए भी कम होगा टैन थीटा बी से, ठीक। आपको पता है जीरो से लेकर 90 तक टैन थीटा का मान क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है, बढ़ता चला जाता है। तो टैन थीटा भी ज़्यादा होगा, टैन थीटा क्या होता है, स्लोप, मतलब स्लोप ऑफ ए ये कम होगा स्लोप ऑफ बी से कम होगा, और स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वही क्या होती है, वेलोसिटी। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विल बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ वी, मतलब v की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और a की वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने समझा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए जी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो मतलब आप समझ गए ना कि अगर आपका थीटा लेस देन 90 होगा तो स्लोप क्या होगा, स्लोप ग्रेटर देन या फिर जीरो होगा, या फिर आप स्लोप कह सकते हो कि पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव होगा मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इसका ऑपोजिट अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो स्लोप क्या होगा, स्लोप आपका नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी, वेलोसिटी नेगेटिव होगी। इस बात को आपको समझना है। और थीटा को मेजर कैसे करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। इस बात को आप लोग इम्पॉर्टेंट नोट की तरह लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं और अच्छे से एस टी ग्राफ को, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को और अच्छे से समझते हैं कुछ क्वेश्चंस की सहायता से। सपोज करो कि मान लो आपको इस तरीके से एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इस तरीके से आपको एक डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट मीटर में है और ये टाइम आपका सेकेंड में है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है, किस तरीके से, आइए दिखाते हैं हम, ऐसे गया ऐसे, मान लीजिए स्लैंटली ऐसे, ठीक है, सभी के सभी स्ट्रेट लाइन, ठीक। हम इसमें वैल्यूज़ भी दे देते हैं इस तरीके से, ये मान लीजिए यहाँ तक है, ठीक है, सब अपने हाथ में है, कर लिया जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, ये इस तरीके से, ये टाइम सेकंड में दिया, ठीक है। तो
मान लीजिए जो ग्राफ दिया है वो है आपका ग्राफ ओ, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू और ये पॉइंट क्यू के बाद आर, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ दिया है ओ पी पी क्यू क्यू आर, ठीक है। वैल्यूज़ दी गई हैं, देखो ये टाइम है सेकंड में, तो ये जीरो, यहाँ पे जीरो शुरू होगा, मान लीजिए ये दो सेकंड है, ठीक है, दो सेकंड, ये आपका चार सेकंड, ये छः सेकंड मान लीजिए, ठीक है। और इधर ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं 5 मीटर और ये 10 मीटर, ठीक है। इस तरीके का आपको एक ग्राफ दिया है और आपसे पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी इन द रीजन, पहला ओ पी, दूसरा पी क्यू और तीसरा क्यू आर। मतलब आपको ओ पी पी क्यू और क्यू आर रीजन में वेलोसिटी पूछ रहा है। देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, सॉल्व करते हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कैसा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी निकालना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही क्या होता है? आपका वेलोसिटी होता है। वही क्या होता है? वेलोसिटी होता है। अगर आपको OP मतलब O से P तक में, अगर O से P तक रीजन में आपको वेलोसिटी निकालना है, तो मतलब इस OP रीजन में जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप आपको चाहिए। और स्लोप लिखना हमें आता है, देखो पॉइंट आप लोग देखो तो पॉइंट भी हम लोग सब एलोकेट कर सकते हैं। देखो इस पॉइंट, ये पॉइंट आपका हो जाएगा ओरिजिन है 0 0। इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो तो देखो x पे 2 चले हो और y पे कितना, 5 चलो, तो 2.5 हो जाएगा, ठीक, 2.5। अगर इस पॉइंट को आप लोग पॉइंट लिखना चाहो तो x पे चले हो 4 और y पे 5, तो 4.5 होगा। अगर इस पॉइंट को लिखना चाहो आप तो x पे चले हो 6 और y पे चले हो कितना, 10, तो 6.10 हो जाएगा। जो इसमें पहला वाला है ना, जो x एक्सिस पे चल रहे हो मतलब वो t है, ये t है, और जो y एक्सिस पे चल रहे हो वो s है, ठीक है। ये t है, ये s है, ये t है टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इस बात को देखो, मैंने इस तरीके से आपको ग्राफिकली लिख के समझाया, पॉइंट को लिख के समझा रहा हूँ। आप जिन बच्चों को आता होगा वो समझ रहे होंगे सर बहुत स्लो कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए सारी बातें लिख रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो डायरेक्टली करूँगा तो आप लोग थोड़े कन्फ्यूज करोगे, ठीक है। चलो ओपी रीजन में अगर वेलोसिटी ऑफ ओपी रीजन आपको निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ ओपी रीजन, तो इस रीजन में आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ ओपी, स्लोप ऑफ ओपी, स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। यहाँ पे मतलब s2 माइनस s1 बटे में t2 माइनस t1 होगा कि नहीं, ठीक है, होगा कि नहीं? तो आप देखो s2 मतलब पॉइंट P पे जो डिस्प्लेसमेंट है कितना, 5 है, और पॉइंट 1 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो आपका 5 माइनस 0, ये डिस्प्लेसमेंट आपने लिख दिया, ठीक है। या पॉइंट से भी लिखना चाहे तो ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो 5 माइनस 0। फिर टाइम x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 0 दैट विल कम्स अराउंड 5 माइनस 0, 2 माइनस 0 ये हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब इस बात को ध्यान से समझो कि ये प्लस OP रीजन में जो वेलोसिटी आई प्लस 2.5 मीटर पर सेकंड। आप ऐसे भी समझो कि अगर इसका पॉजिटिव x एक्सिस से झुकाओ, थीटा कोण देखो, तो ये लेस देन 90 है, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आनी चाहिए थी, पॉजिटिव आनी चाहिए थी। देखो वेलोसिटी आपका पॉजिटिव आया भी है, ठीक है, लिख लिया। तो इस रीजन OP में कितना आपका वेलोसिटी होगा, 2.5 मीटर पर सेकंड। अगर ये, अगर आप लोग को वेलोसिटी पूछा गया PQ रीजन में, वेलोसिटी ऑफ PQ रीजन, तो PQ का आप स्लोप बता दो, ठीक है। अब यहाँ पर स्लोप लिखोगे तो पहले तो आप यही समझ लो कि इसका स्लोप हम लोग निकालते ही है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, तो मतलब यहाँ से s2 माइनस s1 बटे में t2 माइनस t1। तो यहाँ पे ये t कॉमा मैंने लिखा है ना, ये कॉमा है, वन मत समझिएगा, ये कॉमा है, ठीक है। तो s2 माइनस s1 बटे में t2 माइनस t1, तो s2 माइनस s1 मतलब 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 4 माइनस 2, तो ये 0 आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकंड। अब देखो 0 होना भी चाहिए था, क्यों? क्योंकि PQ का जब आप स्लोप देखोगे ना, स्लोप ऑफ PQ देखोगे तो PQ का जो स्लोप होगा ये tan थीटा से ही तो निर्धारित होता है, tan थीटा। लेकिन PQ का x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस के साथ झुकाव, इंक्लिनेशन मतलब कितना झुकाव है, एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री,
जीरो डिग्री, तो टेन जीरो डिग्री होता है जीरो, तो स्लॉप पी क्यू का कितना आ गया जीरो, और स्लॉप ही क्या होती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, सिंपली आप समझ सकते हो। तीसरा जो रीजन में हम लोग वेलोसिटी देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ क्यू आर रीजन, क्यू आर रीजन का जो वेलोसिटी देख रहे हैं, क्यू आर रीजन का वेलोसिटी देख रहे हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे आप सिंपली एस टू माइनस एस वन बटे टी टू माइनस टी वन लगाओगे, तो एस टू माइनस एस वन मतलब टेन माइनस फाइव डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन सिक्स माइनस फोर, तो ये आ जाएगा 5/2, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव ही आ रहा है, और देखिए पॉजिटिव आना भी चाहिए था, क्योंकि इसका अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर झुकाव देखोगे तो ये जो कोण देखोगे ये आपका क्या रहा है लेस देन 90, और लेस देन 90 पे आपका स्लॉप क्या होगा पॉजिटिव, स्लॉप पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा क्यू आर रीजन में पॉजिटिव, और आंसर कितना होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, या नोट करना चाहे तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन था ये किया, ठीक है, प्यारा सा एक क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन और करें, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि कोविड 19 की ये जो पैंडेमिक है, कोविड 19 बहुत परेशान कर रहा है इस समय। अपना बचाव करिए, अपने फैमिली का बचाव करिए, घर पर रहिए जब तक ज़रूरत नहीं है, बाहर मत निकलिए, और घर पर बैठकर पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरीके से आपको दिया है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, टाइम सेकेंड में, ठीक, और इस तरीके से कुछ आपको ग्राफ दिया है ऐसे, ठीक है, वैल्यूज़ मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, ये जीरो पे है, ये 2, 4, 6 मुझे पसंद है टाइम, ठीक है, ये सेकंड में, और ये जो आपका दिया हुआ है ये मान लीजिए 10 मीटर्स, ठीक है, ये 10 मीटर्स है, 10 दिया है, इस तरीके से आपको दिया है ये ग्राफ। और पूछ क्या रहा है वही, अगर मान लो ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये पॉइंट सी है मान लो, तो आपको वही ओ ए और ए बी और बी सी रीजन में वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी, तो ये सब रीजन में आपको वेलोसिटी बताना है। निकाल लेंगे हम लोग, निकाल लेंगे। अगर ओ ए का स्लॉप लिखना चाहो लिख लोगे स्लॉप, आराम से लिख लोगे, ठीक है। इस पॉइंट पे देखो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस प्लाइन पे डिस्प्लेसमेंट 10 है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो 10 माइनस 0 बटे में, इस पॉइंट पे टाइम कितना है 2, और यहाँ पर टाइम कितना था 0, तो 2 माइनस 0, तो दैट विल कम्स अराउंड 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये कितना जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, और वैसे भी आप समझो तो ये थीटा क्या है पॉजिटिव, मतलब 90 से कम है, तो आपका जो स्लॉप होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव आ भी रही है 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट अगर ए से बी देखो, अब आप एक बात तो सिंपली समझ जाना चाहिए आपको कि अगर एस टी ग्राफ एक्स एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो वेलोसिटी क्या होगी जीरो। अगर एस टी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो वेलोसिटी वहाँ पे क्या होगी उस रीजन में जीरो होगी, तो वेलोसिटी इन ए बी रीजन क्या हो जाएगी जीरो। और अगर आप निकाल के भी देखना चाहते हो, देखो आप ये इसका स्लॉप ही तो लिखोगे तो टेन जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका जीरो डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस अर्थात टाइम एक्सिस के साथ, तो टेन जीरो जीरो होता है, तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो। या फिर आप घटा के भी निकालना चाहो तो जीरो, देखो इस समय अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, तो डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर 10 माइनस 10 लिखोगे, बटे में टाइम तो देखो चेंज हो रहा है 2 से 4 सेकंड, तो 4 माइनस 2, तो ऊपर अगर जीरो तो टोटल जीरो, तो ये 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर बीसी रीजन में देखो आप, अगर बीसी रीजन में देखो तो यहाँ पर देखो सी हो जाएगा 0.2, तो सी पर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो, सी पर डिस्प्लेसमेंट जीरो कितना है, बी पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, तो 0 माइनस 10, सी पर टाइम कितना है 6 और बी पर टाइम कितना है 4, ठीक है, तो ये -10/2 दैट इज -5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। देखो माइनस आना भी चाहिए था, क्योंकि ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 से ज़्यादा एंगल बना रही है, 90 से ज़्यादा एंगल बनाती है, तो स्लॉप इसका नेगेटिव होगा, स्लॉप नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, जो कि वेलोसिटी नेगेटिव आ भी रही है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कैसे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से ही देखेंगे हम लोग। सपोज करो आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरीके से दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, ये टाइम है सेकंड में, और इस तरीके से आपको एक ग्राफ दिया है, ठीक है। ये ओरिजिन है मान लीजिए ओ, और वैल्यूज़ भी आपको मान लो मैं दे देता हूँ, ये 2 सेकंड्स और ये मान लीजिए 4 मीटर्स, ठीक, 2 सेकंड 4 मीटर, ये ऐसे दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये अगर मान लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो इनमें से कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसके लिए सही है। मैं चार में बनाता हूँ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, चार वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूँ, आपको बताना है कि कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ सही है, दिए गए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कराऊंगा, फिर एक आध दो क्वेश्चन आपको दूंगा और वो आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन आप क्या करेंगे सॉल्व, ठीक है। चलो इस तरीके से मैं आपको दे देता हूँ, इस तरीके से मैं आपको दे देता हूँ ठीक है। वैल्यू भी दे देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया 2, ये मीटर पर सेकंड में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है मीटर पर सेकंड में होगा, ठीक। यहाँ पर भी ऐसे करके दे दिया मैंने 2, मान लो यहाँ तक ये 2, मान लो ये यहाँ तक है तो ये भी -2 हो जाएगा, ये -2, ठीक। इस तरीके से दिया है आपको, कौन सा ग्राफ मतलब इस ग्राफ से कौन सा ग्राफ बनेगा ये आपको बताना है, ये अगर एस टी ग्राफ है तो इसका वी टी ग्राफ क्या होगा ये आपको समझना है बनाना है। आइए करते हैं सॉल्व। देखिए एस टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वही क्या होती है, वेलोसिटी। तो अगर आपको वेलोसिटी यहाँ पर निकालनी है तो इस ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा। अब स्लोप देखो यहाँ पर थीटा क्या है, 90 से ज़्यादा है, थीटा इज़ ग्रेटर देन 90, मतलब जो टेन थीटा होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। तो पहले तो ये देखो किसमें वेलोसिटी नेगेटिव है, तो वेलोसिटी देखो 0 से नीचे इसमें है, 0 से नीचे इसमें, तो मतलब दो ही में नेगेटिव है, मतलब ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो सही नहीं होगा। अब एग्जैक्ट वैल्यू की बात पूछ रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी देखो आपका कितना हो जाएगा, अगर आप जीरो देखो टी इक्वल्स टू 0 पे आपकी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 मीटर है, और टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हो, फाइनल में आप बताओ 2 सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, और 0 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, 4, 0 माइनस 4, ठीक है, 0 माइनस 4 बटे में टाइम देखो 2 सेकंड माइनस 0 सेकंड, तो -4/2 दैट विल गिव अस 2 माइनस 2 मीटर पर सेकंड। तो देखो वेलोसिटी नेगेटिव तो है ही लेकिन वैल्यू कितनी है, -2 मीटर पर सेकंड। अच्छा एक बात समझो, समय के साथ वेलोसिटी बदल रही है, बढ़ घट रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। देखो आप किसी भी पॉइंट पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये झुकाव देखोगे तो किसी भी पॉइंट पे थीटा क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। जब थीटा चेंज नहीं हो रहा तो इसका स्लोप कहीं भी क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये स्लोप नेगेटिव तो है लेकिन स्लोप कॉन्स्टेंट भी है। स्लोप क्या है, कॉन्स्टेंट, स्लोप कॉन्स्टेंट है तो आपका वेलोसिटी भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या होगी, कॉन्स्टेंट, और मतलब यही आपका -2 मीटर पर सेकंड ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होगी। तो इसमें तो देखो वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, कॉन्स्टेंट है, नहीं है वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मतलब विथ वैल्यू हमने इस बात को समझा कि इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, तो ये ऑप्शन डी सही होगा, ये ऑप्शन डी सही होगा। प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए अब हम आगे अपन कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट मैं कराने चल रहा हूँ, उनको बड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, बहुत ही ध्यान से उनको समझिएगा, सीखिएगा उन दोनों कॉन्सेप्ट को, बड़े प्यारे से कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट है, ठीक है,
उन प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं, चलिए देखो, सपोज करो कि दो ग्राफ आपको इस तरीके से दिया गया है। एक ग्राफ तो देखो ये है और ग्राफ आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ही है, और एक ग्राफ आपको देखो इस तरीके से यहाँ बनाता हूँ, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ये ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से है और ये ग्राफ मान लो आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से। इन दोनों ग्राफ को एनालाइज करेंगे। पहले हम लोग इस वाले ग्राफ को समझते हैं, पहले इस ग्राफ को समझेंगे। अगर इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखो तो अगर मान लो इस पॉइंट पे अगर आपको इसका स्लोप निकालना हो तो आपको इस पॉइंट पे क्या खींचना पड़ेगा, टेंजेंट खींचना पड़ेगा। इस पॉइंट पे स्लोप निकालना हो तो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचना पड़ेगा। इस पॉइंट पे निकालना हो तो इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट खींचना पड़ेगा। तो देखो, आपने तीनों अलग अलग पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट खींचा, स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट खींचा। अब समय के साथ देखो, ये टाइम के साथ देखो तो पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, तीनों में समय बढ़ता चला जा रहा है और समय के साथ इसकी जो इंक्लिनेशन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, मतलब टी एक्सिस से, इंक्लिनेशन एंगल क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ये एंगल बढ़ता चला जा रहा है। अब एंगल बढ़ता चला जा रहा है, एंगल आपका थीटा इंक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है और 90 से ज़्यादा नहीं है, 90 से कम ही है, तो टेन थीटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। टेन थीटा इंक्रीज करेगा मतलब स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है और स्लोप पॉजिटिव भी है, इंक्रीज भी कर रहा है और पॉजिटिव भी है क्योंकि आपका 90 से कम वैल्यू है। तो आपका जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी जो होगा वो पॉजिटिव होगा और कैसा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, पॉजिटिव होगा और क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। समझ रहे कि नहीं। अब इसमें एक बात ये समझने वाली है कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और इंक्रीज भी कर रही है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो और इंक्रीज कब करेगी, इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन होगा इसका, इस मोशन का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन इस मोशन का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन इस मोशन का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे पॉजिटिव होगा कौन बताएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज भी कर रही है और पॉजिटिव भी है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें, पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी भाई इंक्रीज भी कर रही है और पॉजिटिव है, इसका मतलब जो मोशन जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। तो इस वाले ग्राफ के लिए ये बातें हमने समझी। ऑपोजिट अगर इस ग्राफ को देखो, इस ब्रॉड ग्राफ को, इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ऐसे खींचे, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचे ऐसे, ठीक है, या इस पॉइंट पर टेंजेंट अगर ऐसे खींचे, ठीक है, या इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचे ऐसे, ठीक है, ये देखिए इसको और हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं। तो समय के साथ देखो, ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा आप देखो, ठीक है, धीरे धीरे समय के साथ क्या हो जा रहा है, घटता चला जा रहा है। जिसको नहीं समझ में आ रहा, देखिए हम और छोटा सा एक बना के दिखा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये थीटा, यहाँ पर ये थीटा, ठीक है, यहाँ पर थीटा, ये देखो ये थीटा, तो यहाँ पे थीटा ज़्यादा था, ये कम हुआ, ये और कम हुआ। तो समय के साथ इस ग्राफ में थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, और थीटा की वैल्यू कम तो हो रही है और 90 से कम ही है तो पॉजिटिव भी होगी, तो थीटा आपका डिक्रीज कर रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है, तो स्लोप क्या होगा, टेन थीटा भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। स्लोप डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी। डिक्रीज कर रही लेकिन है पॉजिटिव, डिक्रीज कर रही वेलोसिटी लेकिन है क्या, पॉजिटिव। तो डिक्रीज कर रही वेलोसिटी यहाँ पर और पॉजिटिव है, डिक्रीज कर रही वेलोसिटी और क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि समय के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, वेलोसिटी डिक्रीज करे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो इस मोशन में जो होगा, रिटार्डेशन हो रहा होगा, रिटार्डेशन हो रहा होगा। तो इन दो ग्राफ के लिए हमने इस बात को समझाया। कहोगे सर कुछ शॉर्टकट नहीं है, ये कर्व अगर ऐसे रहे तो सर कर्व के लिए कुछ शॉर्टकट हिसाब किताब नहीं है, है हिसाब किताब, शॉर्टकट हिसाब किताब है। देखो शॉर्टकट हिसाब किताब बताते हैं, मतलब एक
शॉर्टकट हिसाब किताब समझते हैं हम लोग दो तरीके के ग्राफ को। देखो कॉनकेव आप लोग समझते हो, कॉनकेव समझते हो, कॉनकेव नहीं समझते तो कटोरी तो समझते ही होंगे, क्योंकि जो दोनों ग्राफ होंगे उसके शेप को हम लोग समझ के ही याद रखने की कोशिश करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आप शॉर्टकट इसको समझो एक प्रकार से, कि जब भी आपका एस टी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, अगर इसमें कॉनकेव अपवर्ड हो, जो आपका ग्राफ है जो कर्व है कॉनकेव अपवर्ड हो, मतलब कटोरी इस तरीके से सीधी रखी है, ये कैसी कटोरी रखी है, सीधी कटोरी, ऐसे हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे ये सीधी कटोरी रखी है, तो कॉनकेव अगर अपवर्ड हो, कॉनकेव अगर अपवर्ड हो तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव, बस काम खत्म। अगर कॉनकेव एस टी ग्राफ में, एस टी ग्राफ में अगर ये कॉनकेव डाउनवर्ड हो, कॉनकेव डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब उल्टी कटोरी रखी हो, उल्टी कटोरी रखी हो, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव, एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट है, ये क्या है आपका शॉर्टकट है, आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव, ये आपका क्या है शॉर्टकट है, ठीक है। चलिए हम दो बात लगे हाथ और समझाते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, दो बात आपको और समझाते हैं फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और वो दो बातें क्या हैं ध्यान से समझिए, वो दो बातें क्या है बड़े ध्यान से समझिए। देखिए पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर अगर वेलोसिटी, अगर आपके वेलोसिटी, ठीक है मैं लिख दूं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनका जो चिन्ह है साइन है, अगर सेम साइन है, सेम साइन, सेम साइन मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, अगर सेम साइन है तो स्पीड आपकी इंक्रीज करेगी, या स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही होगी, स्पीड इंक्रीज कर रही होगी, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के साइन सेम हो, चाहे दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, तो स्पीड आपकी क्या होगी इंक्रीज करेगी, जबकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर ये दोनों ऑपोजिट साइन हो, दोनों विपरीत चिन्ह वाले हों, ऑपोजिट साइन हो, तो ऑपोजिट साइन हो तो आपकी जो स्पीड होगी वो डिक्रीज कर रही होगी, डिक्रीजिंग होगी, ठीक है, स्पीड आपकी डिक्रीज कर रही होगी। तो ये पॉइंट आपको बड़ा ध्यान रखना था, और अगर इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखा है तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, समझते हैं इस पॉइंट को, आशा करता हूँ कि आप लोग समझे भी होंगे और नोट भी किए होंगे। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। पहला मान लीजिए कि ये इस तरीके से एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है आपका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, चलिए ऐसे देते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरीके से दिया है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है। आपको बताना है इसमें कि यहाँ पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक्सेलरेशन 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 और स्पीड का क्या हिसाब किताब है, इनके बारे में आपको समझाना है, बताना है इस ग्राफ से आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन और स्पीड के बारे में समझाना बताना है, ठीक है। हमने आपको तरीका बताया है और उसी तरीके पे आपको इस क्वेश्चन को निकालना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए अगर इस ग्राफ को आप लोग देखो तो इसमें जो कॉनकेव है, कॉनकेव है अपवर्ड है कि नहीं, कटोरी ऊपर की तरफ रखने वाली, कॉनकेव अपवर्ड है, अगर कॉनकेव अपवर्ड होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है पॉजिटिव, तो पहली बात तो होगी कि एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, पक्की बात, एक्सेलरेशन क्या हो गई पॉजिटिव होगी, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव हो गई। अब हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मतलब टी एक्सिस से इसके स्लोप को देखेंगे, और स्लोप को देखने के लिए हमें क्या होता है किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचना पड़ता है, मान लो इस पॉइंट पर हमें खींचना है, तो इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट इस तरीके से खींचा, और टेंजेंट जो हुआ वो पॉजिटिव एक्सिस से जो थीटा बना रहा है वो मोर देन 90 है, मोर देन 90 है तो इसका स्लोप क्या आएगा नेगेटिव, स्लोप क्या आएगा नेगेटिव, अगर स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव होगी, क्योंकि एस टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वही क्या होती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव हो गई। अच्छा अब देखो वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो ऑपोजिट साइन हो गए,
ऑपोजिट साइन हो गया, और ऑपोजिट साइन होने पर जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्पीड क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। एक स्पीड क्या होती है, डिक्रीज, स्पीड क्या होती है, डिक्रीज। तो इस कर्व को हमने इस तरीके से समझा। अगर मान लीजिए इसके ठीक एक अलग सा हम लोग कर्व लेते हैं, एक कोई अलग कर्व लेते हैं, आइए बताता हूँ कि कौन सा कर्व ले रहे हैं आप लोग फटाफट देखिए। एक कर्व और लेते हैं, मान लीजिए हम लोग इस तरीके से एक कर्व ले लिए, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो इसमें देखिए ये कॉनकेव कैसे है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर वेलोसिटी के लिए देखो आपका ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या है, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये जो थीटा है 90 से क्या है, कम है, ये थीटा क्या है, 90 से कम है, ये थीटा आपका 90 से कम है, तो मतलब वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से लिया है मैंने, ठीक है, अगर ये ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव मतलब थीटा मतलब टेन थीटा पॉजिटिव हो तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी, स्पीड क्या करेगी इसमें, डिक्रीज करेगी, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग, स्पीड इसमें क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन मान लीजिए कि आपको अगर इस तरीके से एक ग्राफ दिया होता ऐसे,